हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फार्मूले। देखिए, फार्मूले का इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा होता है ड्यूरिंग जब हम लोग कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। क्या होता है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, मेरे को क्वेश्चन समझ में आ गया, सभी डेटा क्लियर हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम फार्मूले नहीं याद आते कि मैं उस वक्त कौन सा फार्मूला यूज करूँ। अगर आप कोई कंपटीटर हो, जैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो वहां पे एक एक सेकंड काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है एक एक सेकंड। तो उसी को देखते हुए मैंने एक फॉर्मेट, एक चेकलिस्ट तैयार कर रखा जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आइए मैं एक एक क्वेश्चन को मतलब एक एक फॉर्मेट को लर्न कराता हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए, टॉपिक मैंने लिख रखा रोटेशनल मोशन। इसमें पहले फॉर्मूला मैंने क्या लिखा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो मान लीजिए कोई सिस्टम है, उस पर हमने कंसीडर कर लिया मास m1 m2 m3 डॉट डॉट है, और उनका पोजीशन जो है x1 x2 डॉट डॉट xn है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अगर कोई सिस्टम है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तीनों डायरेक्शन में हो सकता है, x में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड लेवल में, x डायरेक्शन में बताइए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, y डायरेक्शन में क्या होगा, z डायरेक्शन में क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है। फार्मूला देखिए बेटा, अगर मेरे से पूछा गया कि x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो सिंपल सा फार्मूला आप लगाओगे xcm, यानी सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन में m1 x1 प्लस m2 x2 एंड डॉट डॉट mn xn डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी m1 प्लस m2 डॉट mn, ठीक है। एंड डिड टू सेम ऐसे कॉपी कर सकते हो ycm, यानी सेंटर ऑफ मास इन y डायरेक्शन, m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट डॉट करके mn y1 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 mn। ऐसे ZCM भी लिखा जा सकता है, m1 z1 प्लस m2 z2 डॉट डॉट करके mn z1 डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये तीनों डायरेक्शन में हम सेंटर ऑफ मास पता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए पार्टिकल्स की इन x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, इन y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, z डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। तो हमें पता होता है जो वेलोसिटी की डिफिनेशन होती है, वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या होती है, नेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नोन एज वेलोसिटी। आर यू क्लियर? ओके गाइस, तो देखो बेटा, अगर इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लें, क्या करें, डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt लिखोगे, यानी dxm/dt ऐसा लिखोगे। देखिए स्पेस नहीं है, मैं आपको क्लियर कराता हूं बेटा। देखो देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर लूं, यानी dxcm डिवाइडेड बाय dt, ओके, तो देखिए ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा, इसे हम लिख सकते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इन x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा बेटा, आप खुद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि m1 m2 टोटल मास क्या है, कॉन्स्टेंट है, वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, पूरी डिफरेंशिएशन से बाहर। m1 x1, तो x1 का डिफरेंशिएशन लिखोगे तो dx1 डिवाइडेड बाय dt, ये नहीं हो जाएगा v1, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लिख सकते हो m1 v1 प्लस m2 v2 डॉट डॉट करके mn vn डिवाइडेड बाय टोटल मास, m1 प्लस m2 डॉट डॉट mn, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी इन x डायरेक्शन में। ऐसे एक तो y डायरेक्शन में लिखा जा सकता है, जेड में भी लिखा जा सकता है, ये लिख सकते हैं हम लोग, क्लियर गाइस। अब ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन भी लिखा जा सकता है अपन से, क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर अगेन मैं डिफरेंशिएट कर लूं, अगेन डिफरेंशिएट कर लूं, यानी द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम नोन एज एक्सेलरेशन, तो अगर एक बार इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा, यानी m1 a1 प्लस m2 a2 डॉट m1 m n डिवाइडेड बाय टोटल मास, ये हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन आप पता कर सकते हो, x में क्या होगा, y में क्या होगा एंड z में क्या होगा, ये निकाल सकते हो, ठीक। आइए और भी इसको विजुलाइज करो, जब आपने लिखा था bcm क्या आया था, m1 b1 प्लस m2 v2 ये डिवाइडेड बाय, तो अगर हम m1 v1 टोटल मास को इधर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आपको मिल जाएगा नेट मोमेंटम, क्या मिल जाएगा, नेट मोमेंटम, क्योंकि हमें पता होता है लीनियर मोमेंटम होता है मास इन टू वेलोसिटी, तो ये सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम पता चल जाएगी अपने को, सेंटर ऑफ मास की मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मास इन टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू p1, यानी m1 v1 को ले लो p1 प्लस p2 डॉट डॉट करके pn, मोमेंटम भी पता कर सकते हैं। आइए
जब आपने अगेन डिफरेंशिएट किया था एक्सीलरेशन आया था, तो ये मान लो ए हो गया, क्या हो गया एक्सीलरेशन, और इधर क्या मास, तो ये सेम तरह देखो ये एक्सीलरेशन और मास का मल्टीप्लाई क्या होता है फोर्स होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है फोर्स होता है, तो सेंटर ऑफ मास कितना फोर्स लग रहा है वो पता चल जाएगा, यानी एफ1 हो जाएगा प्लस एफ2 डॉट डॉट करके एफn, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ठीक है फॉर कंटीन्यूअस मतलब बॉडी के लिए यूनिफॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया। आइए उसके बाद अभी बहुत सारी चीजें हमें पता करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा ठीक है, स्क्वायर है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां लाई करेगा, डिस्क है, ये सब सारी चीजें हम लोग क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे, बट फार्मूले का बेसिक आना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ठीक है। आइए स्केल फार्मूला में चलता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन इन रोटेशन, तो जो रोटेशनल मोशन होता है उसमें जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन आपने लिखा होगा वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ठीक है राइट, तो उसी के देखिए खाली आप इंटरचेंज कर लो, जैसे आपने देखो ओमेगा को बोलेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट क्या होता है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा होता है एंगुलर एक्सीलरेशन एंड टी टाइम, उसे डिटो कॉपी कर लो ना ठीक है। ये देखो जैसे आपने बात की है तो v इक्वल टू आप पुट कर लो ओमेगा एंड u इक्वल टू पुट कर लो ओमेगा नॉट एंड a इक्वल टू अल्फा, इतना आप रोटेशन में कर लो, जो लीनियर मोशन आप पढ़ते थे ये बी यू ए यूज करते थे यहाँ पे ओमेगा ओमेगा नॉट अल्फा यूज करना, तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, सेकेंड क्या हो जाएगा देखो थीटा क्या होता है, थीटा बोला जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां एस लिखते थे यार थीटा लिख लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक है, तो देखो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या लिखा ओमेगा नॉट, यानी यहाँ पे ओमेगा नॉट टी होना चाहिए ऐसा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, वी नो दैट ओमेगा क्या होता है सेम जैसे वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है नेट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यहाँ पे ओमेगा भी क्या होगा नेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, नेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एंगुलर एक्सीलरेशन, ये देखो मैंने लिख रखा है ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा डी थीटा अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डी टी, और अल्फा देखो यहाँ पे मैंने डी थीटा लिखा है डी थीटा होगा या ओमेगा होगा ओमेगा होना चाहिए ये ओमेगा। क्लियर गाइस इस सेकंड फार्मूला में हमको क्लियर हो गया अच्छे से ठीक है। आइए थर्ड देखो टॉर्क, टॉर्क की सिंपल डेफिनेशन होती है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मान लो ये देखो ऐसे हमने कंसिडर कर लिया ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है ठीक, ये देखो इधर ये ऐसा इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है कितना एफ लग रहा है और ये आर ठीक है ये आर वेक्टर है ये एफ फोर्स है, तो बताओ इसके अमाउंट टॉर्क कितना होगा आर इंटू एफ होगा, कैसा होगा आर इंटू एफ, तो टॉर्क इक्वल टू होता आर क्रॉस एफ ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा एफ आर साइन अल्फा, जो एंगल फॉर्म बनाए हैं वही लिख लो अल्फा मतलब थीटा जो भी होगा टॉर्क इक्वल टू एफ आर साइन थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड रेडियस वेक्टर, थीटा किसी भी इसके एंगल फोर्स एंड रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल होगा। आगे फोर्थ इक्वेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ठीक है, ये देखिए कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन आते हैं ठीक है, डिस्क है डिस्क के सेंटर के अबाउट क्या होगा किसी एक्सिस के अबाउट क्या होगा ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेसिक मैंने आपको सिखाऊंगा देखें ये जो एक्सिस है इसे हमने मान लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन ठीक, ऐसे कंसीडर के लिए मास m1 है m2 m3 m2 दूरियां कितना है डिस्टेंस r1 r2 r3 ठीक है, तो ध्यान दीजिए मैंने लिख रखा फॉर मल्टी पार्टिकल सिस्टम, मल्टी मतलब बहुत सारे पार्टिकल के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखी जाती है नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर डॉट ऑफ mn rn स्क्वायर ठीक है, यूनिट क्या होगा अगर सिंपल से बात करो तो देखो मास इनटू आर यानी मास का हो गया केजी एंड दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर राइट, एक वर्ड और डिफाइन होता है रेडियस ऑफ जायरेशन, एक और मीनिंग होता है रेडियस ऑफ जायरेशन डिनोटेड बाय के, के से हम लोग डिनोट करते हैं, तो यहां पे देखो के इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आर1 स्क्वायर प्लस आर2 स्क्वायर डॉट डॉट आरएन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ऐसा लिखते हैं लोग ठीक है, देखो फॉर एनी मास कोई भी मास है ठीक है उसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन, इसलिए देखो मान लीजिए ऐसे सिस्टम है इसका मास मान लो m है और
यहाँ हमें पता करना है रेडियस ऑफ जर्नी, ये मान लो यहाँ से कितना डिस्टेंस है, के डिस्टेंस है, तो इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का जो फार्मूला होगा क्या लिखा जाए, आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो के इक्वल टू ये फार्मूला मिल जाएगा हम लोग को, के इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम, ये मिल जाएगा हम लोग को रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्म। अब आई देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिपेंड करता है, आप बॉडी कौन सा है, रिंग है उसके लिए अलग होगा, डिस्क है उसके लिए अलग होगा, रॉड है उसके लिए अलग होगा, ठीक है, वो अलग अलग होगा, वो हम लोग यहाँ पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए यहाँ पे दो थ्योरम आती है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखिएगा, मान लीजिए कोई एक सिस्टम, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क मान लो कोई भी है, उसके लिए हम लोग ये लिखेंगे आई सी एम, डिस्क होगा उसका अलग होता है, रिंग है उसका अलग होगा, सेंटर के बाद तुम्हारी मान लिया ये एल एम है, पास हो रही सेंटर से, सेंटर से एच डिस्टेंस पे हमें पता करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट क्या होता है, यानी जेड एंड जेड डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, यानी इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना, पहले आप लोग सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, प्लस जितने दूरी पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए हो, एच लिए हो तो एम इंटू एच स्क्वायर ऐड कर लो, ये होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर थ्योरम देखिए, सेकंड थ्योरम परपेंडिकुलर थ्योरम, ठीक, मान लीजिए कोई रिजिड बॉडी है, ठीक है, क्या है रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और ये जेड एक्सिस, तो देखो तीनों बात करें तो तीनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनका जो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाली जाती है किसी एक एक्सिस के अबाउट, इनका जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है दोनों ईच अदर, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल और सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कभी कभी क्या होता है दोनों इक्वल होंगे तो आई एक्स आई वाई क्या होते हैं इक्वल हो जाएंगे, तो आई एक्स या आई वाई दोनों बराबर हो जाएंगे, आई जेड वाई टू लिखा जाता है। तो चलिए मैं सेकेंड पेज आपको दिखाता हूँ गाइस, देखिए सेकेंड पेज मैंने आपको ओपन किया, देखिए सेकेंड पेज क्या है, कुछ बॉडी का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है किसी के अबाउट को डिपेंड होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए इधर आपको विजुलाइज होगा अगर सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सर्कुलर रिंग है तो इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एम आर स्क्वायर होता है, ये आपको लग रहा है, ठीक है, अगर ये डिस्क है सर्कुलर डिस्क है तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा मतलब सेंटर के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर का होता है ये सेंटर के अबाउट 2/5 एम आर स्क्वायर हो जाएगा, एंड अगर हालो स्फीयर होगा तो 2/3 एम आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है, अगर आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर का जैसे सिलेंडर तो इसके एक्सिस के अबाउट जैसे ये रोटेट कर रहा है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर यही सिलेंडर की ऐसा यानी सिलेंडर अबाउट सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, जैसे ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर, जैसे सिलेंडर ऐसे रोटेट करे देखो ऐसे इसके अबाउट रोटेट करे तो उसके लिए लिखा जाता है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12, क्या लिखेंगे देखो ब्रेकेट एम बाहर कर लोगे ब्रेकेट के अंदर आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 12, ये आप क्लियर समझ जाओगे, ठीक है, इसको नाम रखना है आपको। अगर ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर तो हमें पता होता है, इसे मान लीजिए रॉड है, क्या रॉड है इसके अबाउट अगर सेंटर ऑफ एल लेंथ का कोई रॉड है इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है, क्या आता है एम एल स्क्वायर बाई 12, अगर किसी एक्सिस के अबाउट निकालते हो तो आपको मिलता है एम एल स्क्वायर बाई 3, क्या मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 3, मान लो ये एक्स है, ठीक है, एक्स एक्स है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है और सेंटर के अबाउट कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, तो अब देखो इधर ये रॉड की लेंथ कितना है एल है, कितना है रॉड की लेंथ एल है, तो देखो इसके अबाउट अगर बात करो सेंटर के अबाउट तो ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 हो गया, क्या हो गया एम एल स्क्वायर बाई 12 ये हो गया, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये रॉड है और फिर एम आर स्क्वायर बाई 4 क्या हो गया, क्योंकि ये देखो ये मान लो ये है आपका ये हालो ही सिलेंडर है तो इसके लिए जो भी हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो आपको मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई 4 ये आंसर हो जाएगा, ठीक, अब ध्यान दीजिए मतलब ये यहाँ पे देखो इसके एल क्या होता है एम आर एम बी स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे देखो इसके सेंटर के अबाउट हम लोग बात करें सेंटर के अबाउट दोनों आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 भी हो जाएगा एंड एम बी स्क्वायर बाई 12 दो भी दोनों आ जाएगा सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे मान लो ये ऐसा देखो विजुलाइज करो ये ऐसा, ठीक है, इनके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आपको, ठीक है, तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये मिल जाएगा,
ऐसे ध्यान दीजिएगा कि काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इस चैप्टर में कि काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में क्या लिखा जाता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, तो ये लिखा जाता है हाफ आई ओमेगा। इस पर आई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है गाइस, अगला फैक्टर है टॉर्क ऑफ रोटेशन। तो देखिए बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। उन्हीं के हेल्प से जब हम लोग वही फार्मूले को आगे एक्सप्रेस करते हैं तो हमको मिलता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। आई वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, एक वर्ड आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई वन ओमेगा वन इक्वल टू आई टू ओमेगा टू, जैसे एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू डी टू, ऐसा है वो लीनियर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो ऐसा लिख दिया जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, टोटल एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। देखिए अगर टोटल एनर्जी मेरे को लिखना है तो एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अपना, और एक रोटेशनल काइनेटिक, इन्हीं को हम लोग टोटल एनर्जी बोल देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम ट्रांसलेशनल की बात करें तो हाफ एम बी स्क्वायर, एंड रोटेशनल कितना होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो फिर आगे पुट करोगे हाफ आई ओमेगा ऑफ इनर्शिया लिख लो एम के स्क्वायर, मान लो रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में लिखना चाह रहे हो एम के स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है बी वाई आर, बी कर दो आर ओमेगा, तो बी कर दो ओमेगा कर दो बी वाई आर स्क्वायर करोगे एंड हाफ एम बी स्क्वायर हम लोग को कैलकुलेट करोगे, आपको एक रिजल्ट ये मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, एंड थर्ड फार्मूला नेक्स्ट फार्मूला हमने लिखा बॉडी रोलिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन, जैसे कोई बॉडी है इंक्लाइन प्लेन मान लीजिए है। ठीक है, ये क्या है इंक्लाइन प्लेन, इस पे रोल करते हुए ऐसे आ रहे विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं करेगी ऐसे स्लिप भी कर रहे नहीं, रोल करते हुए आ रही, उसके लिए जो एक्सीलरेशन का फार्मूला बच्चे प्रूफ करते हैं वो होता है एक्सीलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर, के वही है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, के रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो अब मान लो जैसे मान लो कोई भी बॉडी है के रेडियस ऑफ जायरेशन जैसे सेंटर ऑफ मास, यहां पे देखो के बारे में मैंने एक फार्मूला बताया था, के इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट आई बाय एम, क्या होता है आई बाय एम। मान लो रिंग है, रिंग के सेंटर क्या और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी हम लोगों ने सीखा एम आर स्क्वायर होता है, तो एम एम का इसी होगा कितना मिला आर। तो ध्यान रखा अगर यहाँ पे आर पुट किया आपने के प्लेस पे आर पुट किया तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अगर वो रिंग आपका रोल करते हुए यूं आ रही तो उसकी एक्सेलरेशन जी बाय जी साइन थीटा बाय टू हो जाएगी। ऐसे लोग प्रॉपर फाइंड कर सकते हैं। एंड वेलोसिटी किस वेलोसिटी से आएगी वो होता है इक्वल टू अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाई टू। तो ये रहे सारे फार्मूले, काफी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से आप लर्न कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम आपसे छूटने ना पाए, आप 100 मार्क के हकदार हो जाओ अभी से। ठीक है, तो चलिए गाइस अभी कुछ फार्मूले में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, तब तक के लिए इसको अच्छे से आप लर्न कर लीजिए। अगर कोई फार्मूले की और डिमांड है तो आप बोल दीजिएगा, मैं उस वीडियो में ऐड कर लूंगा। चलिए गाइस बेस्ट ऑफ लक।